सबको जय मसीह की। आज इस वीडियो का शीर्षक है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका। हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसा कार्य करता है। सबसे पहले यूहन्ना उसका 14वीं अध्याय की 16वीं आयत और 26वीं आयत में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है सहायक या फिर मददगार, सलाहकार। तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य या पवित्र आत्मा का रोल ये है कि वो हमारी मददगार बने या वो हमारी सहायक बने। हर मसीही अच्छे से जानता है कि हम अपने मसीही जीवन को अकेले अपने बलबूते पे जी नहीं सकते हैं, हमें परमेश्वर की मदद की सख्त जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है ताकि वो हमारी मदद करे। अब किस एरिया में हमारी मदद करेगा? जिस किसी एरिया में आपको मदद की जरूरत है, हर एरिया में परमेश्वर आपको मदद करेगा। चाहे वो आपके ड्यूटी के जगह हो, ऑफिशियल काम में हो, या फिर आपके पर्सनल काम में हो, आपके घर के कामों में हो, या फिर आपके व्यक्तिगत जीवन में आप एक अच्छा पिता बनना चाहते हैं या फिर एक अच्छी माँ बनना चाहती है, तो हर एरिया में जो है या जो भी आपका संघर्ष है, हर बात में जो है पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग जो है अपने विचारों से बहुत परेशान है, वो लोग नहीं चाहते हुए भी अपने विचारों से वो लोग लड़ रहे हैं। बुरे सोच, निराशा वाली सोच या फिर अपने भावना, जैसे कुछ लोग अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या उदासीपन को कंट्रोल कर नहीं सकते हैं या मरने का एक विचार कुछ लोगों के अंदर होता है, तो इन सारी बातों से हम समझ सकते हैं कि लोग जो है संघर्ष करते हैं लेकिन जय नहीं पाते हैं। इसलिए हर मसीह को ये समझना है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। किस एरिया में हम कमजोर है, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा की मदद को मांगिए, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। आप एक अच्छा पति बनना चाहते हैं, अच्छी पत्नी बनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर है, पवित्र आत्मा की मदद मांगिए, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा सलाहकार है। आप दुविधा में पढ़ते हो तो आपको सही बातों को बताकर देने वाला हमारा परमेश्वर है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या काम करता है। यूहन्ना उसका 14वीं अध्याय की 26वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। अब पवित्र आत्मा के सामने हमको बोलना है कि पवित्र आत्मा ये बात मेरे लिए कठिन है या मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इसको कैसे करूं या इसको कैसे हैंडल करूं। तो पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर इसीलिए दिया गया है परमेश्वर के द्वारा कि पवित्र आत्मा आपको सिखाए कि ये बात आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। इतना ही नहीं, आपको वचन सिखाएगा। बहुत से लोग बोलते हुए इस प्रकार मैंने सुना है कि हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमको समझ नहीं आता है। इसके लिए आपको एक ही बात करना है, बाइबल पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा तू मेरा टीचर बनना और पवित्र आत्मा तू मुझे सिखाना। ऐसे बोलने के बाद पवित्र आत्मा जब नियंत्रण लेता है, पवित्र आत्मा आपको हर एक बात सिखाता है। वचन में लिखा है कि जिस मार्ग में आपको चलना है उस मार्ग को परमेश्वर आपको बताएगा कि किस मार्ग में आपको चलना है। तो आपकी जीवन की हर एक क्षेत्र में आपको सिखाने वाला एक परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि यीशु कौन है, पिता कौन है और अनंत जीवन कैसे मिलेगा, पवित्र जीवन कैसे जीना है। ये सारी बातें जो है हमको वचन के द्वारा पवित्र आत्मा सिखाएगा। तीसरी बात, यूहन्ना 14:26 में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि जो जो वचन मैंने तुमसे कहा है पवित्र आत्मा वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा हमको बातों को याद दिलाएगा या स्मरण कराएगा। अब क्या स्मरण कराएगा? हम बहुत से वक्त बाइबल पढ़ते हैं, वचन को हमारे अंदर रखते हैं, हम प्रचारों को सुनते हैं, गीतों को गाते हैं, लेकिन जब हम ये जो है इस आराधना के माहौल से हम निकलकर या चर्च से निकलकर हम बाहर हमारी सांसारिक काम करने जाते हैं, तो बहुत से वक्त जो है ऐसा हो जाता है कि हम जो है कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं, कभी कभी संघर्ष में पड़ जाते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है कि इस समय पे हमें करना क्या है।
उस समय पर पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, क्योंकि बाइबल में वही लिखा है कि पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा आपको एक एक वचन आपके मन में लेकर आएगा। शायद से आप डरे हुए होंगे, उस समय पर आपके मन में विचार आएगा, वचन आएगा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अकेलेपन को अनुभव कर रहे होंगे, तब वचन आएगा, इस संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। ये सारी बातें हमारे मन में कैसे आता है? ये यूं ही नहीं आता है, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। कभी कभी गीत का एक कड़ी जो है हमारे मन में आ जाता है, और उस समय पर जब हम ध्यान से देखेंगे, उस बोल इस प्रकार होगा जो हमारे जीवन में शांति लेकर आने वाला, हमारे जीवन में जो है खुशी लेकर आने वाली बातें होगी। और ये वचन, ये गीत, ये सारी बातें हमारे मन में आता कैसा है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है पवित्र जीवन जीना है, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है बेटा तुझे प्रार्थना करना है, बेटी तुझे प्रार्थना करना है। कभी ऐसे भी होता है जब हम बाहर चलते हैं, जो हमारे खिलाफ बहुत बुराई किया हो वो इंसान को हम देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम मुंह फेर कर जो है चले जाए, लेकिन उस समय पर पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि बुराई के बदले बुराई मत देना, या फिर दुश्मनों से प्रेम करना। ये सारी बातें जो है पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। चौथी बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या काम करता है? यूहन्ना उसका 16वीं अध्याय की 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को बताएगा। इसका मतलब है कि जब हम पवित्र आत्मा के साथ एक रिलेशन में आते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, और पवित्र आत्मा चाहता है कि वो पिता के दिल की बातों को या भेद की बातों को हम तक पहुंचाए, इसलिए वो जो है आने वाली बातों को हमको बताएगा। कभी आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएगा, कभी आपके परिवार के बारे में बताएगा, आपकी कलीसिया के बारे में बताएगा, हो सकता है आपके देश के बारे में बताएगा। आमोस की किताब में इस प्रकार एक आयत है कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं या फिर अपने दासों को मर्म बताए बिना कुछ भी नहीं करता है। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अपनी दिल की बातें हमसे बताए, और पवित्र आत्मा हमारा जीवन में रहकर यही काम करता है कि आने वाली बातों को बताता है। सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर ने जो है अब्राहम से बात की। ऐसा है तो प्रियो, हमारे देश में या हमारे जगह में कोई भी समस्या आने से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आने वाली बातों को बताएगा, और ये तब होगा जब हम पवित्र आत्मा के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप में आएंगे। और जब हम एक अच्छा बंधन में पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा हमें बहुत कुछ सिखाएगा और आने वाली बातों को बताएगा। पांचवी बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है? प्रेरितों उसका 1 अध्याय और 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से हम सामर्थ पाते हैं, पावर को पाते हैं। अब सामर्थ किन बातों के लिए हम पाते हैं? क्या हम कोई जादू करने वाले बाबा या फिर ऐसे कुछ लोग बनेंगे? नहीं, सामर्थ इसीलिए ताकि हम पाप के ऊपर जय पाए, हम शैतान के हर एक कामों के ऊपर जय पाए। ये सामर्थ के द्वारा जो है हम लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आए। जैसे यूहन्ना और पत्रस के बारे में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा पाते ही जो है वो लोग उसके बाद जब मंदिर की ओर जा रहे थे, उन्होंने एक लंगड़े इंसान को देखा और कहा यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, तो वो सामर्थ वहां पर प्रकट हो गए। चंगाई, अद्भुत काम जो है हमारे द्वारा होगा जब पवित्र आत्मा को हम पाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है। हमारे जीवन में जो है जिन बातों से बार बार हम ठोकर खाते हैं, जिन बातों के वजह से हम बार बार पाप में गिर जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए इन बातों के ऊपर जय पाने के लिए हमें मदद मिलती है। छठवीं बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या कार्य करता है या कैसे कार्य करता है? तो प्रेरितों उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और उसकी एंड में इस प्रकार लिखा है, और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हम यीशु की गवाह बने।
हम जहां जाते हैं हमें जो है यीशु का एक गवाह बनना है। हमारा जीवन की हमारी बातों से बढ़कर हमारा जो स्वभाव है यीशु मसीह को दर्शाना चाहिए। हमारा जीवन का एक ही मकसद होना है कि लोग प्रभु को जाने और उस अनंत नरक से बचकर उस अनंत जीवन में वो लोग प्रवेश करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप लोगों तक यीशु के बारे में सुसमाचार को लेकर पहुंचे, और ये करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए हम यीशु की गवाही दे सकते हैं। सातवीं बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करता है। यूहन्ना 16वीं अध्याय और उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसका मतलब है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तब सिर्फ हम यीशु की महिमा करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसका मतलब है हम अपनी महिमा नहीं चाहेंगे, हम अपना नाम कमाना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हम कम हो जाए और हम हर एरिया में दीन हो जाए और यीशु मसीह का नाम जो है हमारे जीवन के द्वारा महिमा को पाए। देखिए, हम इंसान होने के नाते बहुत से वक्त हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हम फेमस हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा का मकसद अलग है। पवित्र आत्मा चाहता है कि यीशु के नाम की महिमा हर समय हर जगह हमारे जीवन के द्वारा होना है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा जीवन में रहने का एक और कार्य है कि वो यीशु की महिमा कराता है। आठवीं बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करता है। यूहन्ना उसका 16 और उसकी 8 में इस प्रकार लिखा है, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते समय हमें जो है पाप के विषय में हमको एक एहसास होता है, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में एहसास होता है। इसका मतलब है बहुत से वक्त हम गलती करते हैं और तुरंत हमको एहसास होता है कि जो मैंने किया है वो गलत है, वो परमेश्वर के सामने सही नहीं है। और वो एहसास आपको क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर कराता है। पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाता है कि आपने पाप किया है, आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो। कभी कभी संसार में जब हम देखते हैं, संसार के लोग जो है गलती करने के बाद एहसास तक नहीं होता है कि जो वो लोग कर रहे हैं वो गलत है, झूठ बार बार बोलते और उनका एक बहाना होता है ये तो चलता है। लेकिन हम मसीहों को ये सच्चाई पता है कि कुछ भी नहीं चलता है, लेकिन हमको सच्चाई में ही चलना पड़ेगा। कोई छोटा झूठ बोलने से हम बच नहीं सकते हैं, झूठ तो झूठ ही है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाता है, मुझे और आपको पवित्र आत्मा ही एहसास दिलाता है कि हमें जो है पाप क्या है, न्याय क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इसका समझ देता है। नौवीं बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। यूहन्ना 16 का 13 में इस प्रकार लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब है प्रियो, हम मसीही लोग कभी भी गलत काम नहीं कर सकते हैं, कभी भी फ्रॉड के काम नहीं कर सकते, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है और पवित्र आत्मा का दूसरा नाम बताया है सत्य की आत्मा, और उनके बारे में बताया है कि वो तुम्हें सत्य की मार्ग बताएगा, तो मसीह होने के नाते हम सिर्फ सच्चाई पर चलेंगे, हम गलत काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उस बात के लिए हमें अनुमति नहीं देता है। इसलिए प्रियो, हम मसीह होने के नाते संसार के सामने हम एक मिसाल रहे कि हम जो सत्य है उस सत्य पर ही चलेंगे, हम जो है कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, किसी के पैसे नहीं चुराएंगे। हमारे जीवन से ये गवाही लोगों को दिखना है कि हम किसी की धोखा या किसी को झूठ या गलत बातें या चुगली या कोई भी गलत काम जो है हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम सत्य की आत्मा को पाए हुए लोग हैं और सत्य के मार्ग पर हम चलने वाले लोग हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहते हुए हमें सत्य के मार्ग में चलने के लिए हमें मदद करता है।
दसवीं बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करता है। रोमियो उसके 8वीं अध्याय और उसकी 26वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, इसे रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इस आयत के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि पवित्र आत्मा जो है हमें प्रार्थना करने में भी मदद करता है। काफी बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें प्रार्थना क्या करना है, लेकिन मन इतना भारी हो जाता है कि हमारा कराना या फिर हमारी जो आहे भरना है, पवित्र आत्मा उसको भी लेकर प्रार्थना के रूप में हमारे लिए बिछवाई करता है या फिर उस प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के सामने जाता है और हमारी निर्बलता में जो है हमारी बातें परमेश्वर के सामने रखता है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में भी मदद करता है। प्रिय भाई बहनों, अब तक हमने 10 बातें सीखे हैं कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। तो सबसे पहली बात ये था कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारा टीचर है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमको स्मरण दिलाता है। चौथी बात, पवित्र आत्मा हमको आने वाली बातों को बताता है। पांचवी बात, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है। छठवीं बात, पवित्र आत्मा हमको गवाह बनने या यीशु के गवाह बनने मदद करता है। सातवीं बात, पवित्र आत्मा यीशु की महिमा कराता है। आठवीं बात, पवित्र आत्मा पाप, न्याय और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करता है। नौवीं बात, पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग में हमको बढ़ाता है। और दसवीं बात, पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष दे। कृपया शेयर करें और इस स्टडी के लिए आप सब्सक्राइब भी करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।